نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. قالوا يا شعيب ما نفقت كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. قالوا उन्होंने कहा, किन्होंने, कौम वालों ने, शोएब अलैहिस्सलाम की इलाके के रहने वाले लोगों ने क्या कहा? ऐ शोएब, मा नफ़क़तु कसीरं मिम्मा तकूल, हम नहीं समझ पाते तुम्हारी बात जो तुम कहते हो, हमें तुम्हारी बातों की समझ ही नहीं आती। हालांकि शोएब अलैहिस्सलाम खतीबुल अंबिया थे, बहुत बेहतरीन स्पीकर थे। कहा जाता है उनको अल्लाह सुब्हानहु ताला ने फसाहत और बलागत और बयान करने का हुनर अता किया था। तो लेकिन उनकी कौम वाले उनकी बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या समझाने वाले में कमी है? कहने लगे, हमें तुम्हारी बातों की समझ नहीं आती, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। तो होता यह है कि जब इंसान का इंटरेस्ट मुख्तलिफ हो, इंसान की डेस्टिनेशन, इंसान की डायरेक्शंस डिफरेंट हो, एक दुनिया की तरफ तगोदो कर रहा है और एक की कोशिशें जद अल्लाह की तरफ है, दोनों के माइंडसेट चेंज है, दोनों की आदत चेंज है, तो फिर बात समझ में नहीं आती। हालांकि बात साफ साफ सीधी सीधी होती है, लेकिन दिल तक नहीं पहुंचती, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं होता, शौक नहीं होता। तो किसी भी इंसान की, किसी भी खतीब की या किसी भी स्पीकर की बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके अंदर इंटरेस्ट लेना होता है, शौक पैदा करना होता है। जब इंटरेस्ट में फर्क हो जाए तो फिर बातें भी दिल तक नहीं पहुंचती। अब देखें, एक बंदा किसी और डायरेक्शन पे है, दूसरा किसी और डायरेक्शन पे, दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, लेकिन दूर दूर होने की वजह से उनको दूसरे की पता तो चल रहेगा कोई हमसे बात कर रहा है, लेकिन समझ नहीं है कि कोई क्या क्या रहा है। इसलिए बसा औकात ऐसा होता है कि एक ही जगह पे रहने वाले दो लोग आपस में दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। हस्बैंड वाइफ के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, आपस में बहन भाइयों के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। और कभी कभार ऐसे होता है जैसे शोएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम वाले इकट्ठे एक ही इलाके में रहते थे, परवरिश इकट्ठी हुई, लेकिन शोएब अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और मुआशरती बुराइयों से बचने की, नाप तोल में कमी ना करने की तरफ उनको आमादा कर रहे हैं। तो इसी तरह ऐसे होता है कि बाज़ुकार एक ही घर में पलने वाले बच्चों के अंदर डिफरेंट हमें असरात नजर आते हैं, एक अल्लाह की तरफ और एक का रुझान दुनिया की तरफ होता है। तो ये अल्लाह सुबहान तला की तकसीम भी है, और जब तक उन दोनों का इंटरेस्ट एक नहीं होता, वह दूसरे की बात को समझ नहीं पाते। जितना भी समझाने की कोशिश की जाए वो कसिर रह जाते हैं एक दूसरे को समझने में। एट देन क्या होता है, या तो वो आपस में इकट्ठे बैठ ही नहीं पाते, या फिर अगर बैठ भी जाए तो उनका टकराव होकर फिर जो है ना किसी झगड़े की सूरत में वापसी होती है। एक ही जगह पर रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर भी ऐसा होता है। तो बात यह है कि अगर कोई आपकी बात को समझ नहीं पा रहा तो रीजन क्या है, जड़ क्या है, उसका इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो भी इल्म हासिल कर रहा है, लेकिन उसका इल्म दुनिया की तरक्की में और दुनिया की मोहब्बत के लिए है, और जो जो अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है उसका इल्म अल्लाह ताला की
मोहब्बत में मजीद आगे बढ़ने से मुतालिक होता है। तो ऐसे ही हुआ, देखिए अब शुब अलैहि सलाम की कौम के अंदर भी ऐसे लोग थे कि जिन्होंने मिलावट करना और नाप में कमी करना शुरू की। जब खुद लेते थे, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लदीन इज़ इक्तालू अलन नास यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख्सिरून। जब वो दूसरों को देते थे तो कमी करते, जब दूसरों से लेते तो क्या करते, ज्यादा लेते, मिलावट करके माल अपना बेचते थे। तो आज भी हमारे मुआशरे के अंदर ऐसा ही है ना, कि कहा जाता है, आपको अपने कानों से सुनने के बाद मिलती होगी, कि जो बंदा मिलावट नहीं करता गुजारा ही नहीं है। अगर हम ऊपर क्वालिटी वाला माल और नीचे घटिया माल ना रखें, और फिर छुपके से जब हम पैक कर रहे होते हैं तो हम उसमें ना डालें, तो हमारा नुकसान है, हमारा कारोबार नहीं चलता। और जो बंदा क्या करता है, इंसाफ करता है, जो बंदा सच्चा होता है, ईमानदार होता है, उसको बेवकूफ कहा जाता है। इसको तो कोई अकल नहीं, फला बंदा वही चीजें बेचकर इतना कमा रहा है, और तुम, अल्लाह ने तुम्हें इल्म भी दिया, तुम इस्लाहियत भी, और तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहना, तुम्हें तो कमाई करनी ही नहीं आती। यकीन जाने इस दुनिया के अंदर चंद ऐसे लोग रह गए हैं जो धोखाधही और मिलावट से पाक माल को सेल करते हैं, या फिर नापतोल में कमी नहीं करते। चंद लोग, मुझे अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ किसी एक इंसान को, ऐसे एक इंसान के बारे में सुनाई दिया गया, और उनके बारे में सुना कि वो पाकिस्तान को छोड़कर स्पेशली मदीना के अंदर जाके रह रहे हैं, और वहां पे उन्होंने खजूरों का एक बिजनेस ओपन किया है, और वहां पे वो बिजनेस एक तो अल्लाह की नबी की मोहब्बत में वहां पे गए हैं कि वहां पे मैंने रहना है और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को महसूस करना है। दूसरा ये कि वो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि उनकी मदीना के करीब ही एक शॉप है जहां वो खजूरें सेल करते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी ये है कि उनका माल इसलिए भी ज्यादा सेल नहीं होता, या उनकी उनको ज्यादा कमाई उनकी इसलिए भी नहीं होती क्योंकि वो धोखाधही से माल नहीं सेल करते। उन्होंने पैकिंग के अंदर जो चीजें, एक जो पैकिंग है अच्छी क्वालिटी की वो अलहदा है, सारी की सारी अच्छी क्वालिटी की ही खजूरें उसके अंदर पैक की हैं। तो जो थोड़ी छोटी खजूरें होती हैं, ऐसे होता है ना, बाजू का ऊपर बड़ी रख दी जाती है, नीचे छोटी रख दी जाती है, तो वो ऐसा नहीं करते, वो जो नीचे माल होते हैं वही ऊपर लगाते हैं। तो वो अच्छा गुजारा तो कर रहे हैं, लेकिन जो तरक्की एक दिनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर ही लोग हासिल कर लेते हैं धोखाधही और खयानत करके और मिलावट करके, वो वैसे नहीं कर पा रहे। देखिए दुनिया के अंदर उनके थोड़े माल में अल्लाह उनको बरकतें अता कर देगा, उनकी दो बीवियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन जिंदगी उनकी गुजर रही है, और मोहब्बत के साथ और बेहतरीन सुकून वाली जिंदगी वो गुजार रहे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने बाकी उनकी जो लाइफ है उनके अंदर तो सुकून दिया हुआ है ना। तो चंद, यानी पूरी जिंदगी के अंदर एक इंसान ऐसा मिलता है जिस तरह से काम करता है, तो बहुत देर के बाद हमें अब बहुत नयाब है कि सुनने को मिलता होगा कोई इंसान इतनी ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस कर रहा है। और अगर जब समझाया जाए उन लोगों को जो मिलावट करते हैं, या फिर जो धोखाधही से अपना माल सेल करते हैं, तो वो आगे से यही कहते हैं, हमें आपकी बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे तो हम कमा ही नहीं सकते, घर में कल लेकर के आए। तो तवक्कल अल्लाह पे करना चाहिए, इंसान का तवक्कल परिंदों की मानी दो, कि जब वो सुबह निकलते हैं तो खाली हाथ होते हैं, उनके पास कोई सरमाया नहीं होता, वापिस आते हैं तो पेट भर के आते हैं, अपने बच्चों के लिए भी लेके आते हैं। लेकिन हमारा चूंकि तवक्कल जाहिरी असबाब पे होता है, इसलिए हम ये काम भी करते हैं, और जब हमें कोई गाइड करने की कोशिश करे सूद से दूर कर रखने की, और रागिब करे कि ये सारे काम जो है ठीक नहीं है, जैसे सूदी जॉब करना, और फिर तवक्कल ना होना कि हमें कोई जॉब मिलेगी कि नहीं, हम इसको छोड़ देंगे।
फिर जो समझाता है उसको हम ऐसे कहते हैं, मा नफ़क़तु कसीरं मिम्मा तकूल, तुम्हारी अक्सर बातें तो मैं समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या कहते हो। वा इन्ना लनराक फीना ज़ईफा, बेशक हम तुझे अपने आप में कमजोर देखते हैं, यानी तुम्हारे पास कोई फौज नहीं, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है और तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, फिर ये भी तुम बहुत वीक हो, तुम्हारी फैमिली भी तुम पे ईमान नहीं लाई, तुम्हारी तो फैमिली भी तुम्हारी बात नहीं मानती, फीना ज़ईफा, तुम तो बहुत कमजोर हो। फिर इसी तरह ये कि तादाद नहीं है लोग, कुछ ईमान लाने वाले लोगों की तादाद कम है, तो किसी को डिमोटिवेट करना, लेकिन अंबिया तो बड़े मोटिवेट होते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत ही उनके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। फिर उन्होंने तीसरा और ताना दिया, धमकी दी और लेग पुलिंग करने की कोशिश की, वलौला रहतुका ला लरजमनाका, कहने लगे अगर तेरा कबीला तेरे ना होता तो हम तुझे लरजमनाका, अलबत्ता संसार कर देते हम तुझे, ला अलबत्ता रजम, रजम करना संसार करना, ना हम का तुझे, तो हम संसार कर देते तुझे, तुझे मार देते, लेकिन एक वजह है कि हम क्यों नहीं तुझे कुछ किया है, क्योंकि तू हमारे इलाके से है, हमारी कौम से है, हमारे और यहाँ पे तेरा कबीला बाद में हमसे इंतकाम ना ले। कबाइल सिस्टम में ऐसा होता था कि जब किसी कबीले का कोई भी आदमी मारा जाता तो हाँ वो कबीले वाले उसके साथ होते या ना होते, लेकिन वो उसके लिए जरूर लड़ते, अगर कोई ना लड़ता या उसका इंतकाम ना लेता तो सारे उन्हें बातें करते कि तुम्हारे अंदर कैसे जा रहा था कि तुम अपने आदमी का बदला ही नहीं लेते। तो कौम वालों को इस बात का खतरा था कि अगर हमने शुएब अलैहिस्सलाम को कुछ कहा तो इनका कबीला इंतकाम लेने आ जाएगा, तो इस वजह से वो उनको कुछ नहीं कहते थे। और जब ये आयात नाजिल हुई तो उन दिनों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लम के साथ भी ऐसे ही हालात पेश आ रहे थे कि नबी सल्लम पर ईमान नहीं लाते थे, और चूंकि आपके बैक पे बनु हाशिम थे और खास तौर पे आपके चचा अबू तालिब पूरी तरह आपकी हिफाजत कर रहे थे, इसलिए कुरैश आप पर हाथ डालने की जरूरत नहीं कर सके और आपको वो कुछ नहीं कह सके कि आपकी बैक स्ट्रांग थी। वमा अंत अलीना बि अजीज, और नहीं तू हम पर कुछ भी गालिब, यानी तू हम तुझे बहुत कमजोर और बहुत हकीर समझते हैं, हमारे नजदीक तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कुछ भी समझदार नहीं हो तुम्हारे नजदीक, हम तुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, हम ताकत से भी तुझसे बढ़कर हैं, हम संसार करना चाहें तो मिनटों में कर दें। वमा अंत अलीना बि अजीज, तकब्बुर की इंतहा जाहिर हो रही है, किसी लिहाज से भी तुम्हें हम पर गलबा नहीं है, ना तुम्हारे पास माल है ज्यादा। अब उन्होंने तो धोखाधड़ी करके माल और दौलत बहुत ज्यादा कमा लिया था ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, हम चाहें तो संसार कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन तेरे जो कबीले के लोग हैं ना उनकी हया करते हुए, अगरचे तो तेरे दीन पे नहीं है, हमारे दीन पे है, अगर तेरे दीन पे होते, अगर ऐसा होता कि वो भी उनके दीन पे होते तो शायद वो सबके साथ दुश्मनी करते, लेकिन वो अहलो अयाल वाले और कबीले वाले भी कौम वालों के साथ है, इसलिए उन्होंने उनकी हया करते हुए ऐसे कहा। शुएब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, कौला कहा, या कौमी, ऐ मेरी कौम। और वैसे भी ऐसा होता है कि जब इंसान के पास कोई दलील नहीं होती किसी की सच्ची बातों की, तो फिर इंसान गाली गलौज पे उतर आता है, धमकियां देता है, बदजुबानी करता है, तो हर कौम वाले ने ऐसे किया। इनकी कौम को भी जब कोई और न सूझी तो इनके पास कोई दलील ही थी तो धमकियां देने लगी, चीना चलाने लगी, जब जिस इंसान के पास दलील ही ना होती वो रोना धोना शुरू हो जाता है, चीता चलाता है, ऐसी ऐसी बातें करता है जैसे जिसका कोई मकसद ही नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई दलील ही नहीं होती। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अरोहती आ क्या रोहती कबीला, यह मुतकलिम है मेरा, अरोहती क्या कबीला मेरा,
अज़ु ज्यादा जोर वाला है, अलैकुम तुम पर मिनल्लाही अल्लाह से, क्या तुम अल्लाह से ज्यादा मेरे कबीले को इम्पोर्टेंस देते हो? जालिमों अल्लाह से डरने की बजाय तुम मेरे कबीले वालों से डरते हो। मेरी बरादरी तुम्हारे नजदीक अल्लाह से ज्यादा मोजिज और कवि है जिसने मुझे रसूल बनाकर भेजा। हर शय का मालिक अल्लाह है, उस हर शय के मालिक अल्लाह को तुम पसे पुश डालकर लोगों से डर रहे हो। और होता यह है कि जब इंसान दुनिया के लिए निकलता है, दुनियावी सोच उसकी होती है, तो फिर वो डरता भी दुनिया से है। लोग क्या कहेंगे, वो ये नहीं सोचता कि मेरा अल्लाह मेरे बारे में क्या कहेगा, लेकिन वो ये सोचता है कि लोग जो है वो क्या कहेंगे। वत्तखज्तुमूहु वराएकुम ज़िहरिय्यन, और बना लिया तुमने उसे पीछे अपने पुश्त के, यानी तुमने बेवक्त चीज, यानी ऐसे कोई इंसान बेकदरी करते हुए अपने पीठ पीछे चीज फेंक देता है ना, उसकी परवाह नहीं करता, तो तुमने भी अल्लाह को ऐसे समझ रखा हुआ है क्या? थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ी सी सख्ती आई है पैगंबर की जुबान के अंदर कि तुम अल्लाह को क्या समझते हो, अल्लाह को तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर की परवाह ही नहीं करते, बेवक्ती और बेकदरी कर रहे हो। वराअकुम ज़िहरिय्यन इन रब्बी बिमा तअमलून मुहीत, बेशक मेरा रब उसे जो तुम अमल करते हो घेरे हुए है, वो तुम्हारे तमाम अमाल, तुम्हारे इरादे, तुम्हारी साजिशें जो तुम मेरे खिलाफ कर रहे हो उससे पूरी तरह वाकिफ है, कोई भी चीज उसके अहाते से बाहर नहीं है, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। जब शोएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाउम्मीद हो गए, ठीक है, ये पैगंबर जो है पहले स्टेप पे नाउम्मीद नहीं होते, बड़ी कोशिशें मेहनतें करते हैं, काफी समझाते हैं, एट देन जब उनको पता चलता है कि अब इनकी बगावत हद से बढ़ गई है और बार बार हम समझा बुझा कर भी इनको सीधे राह पे नहीं लेके आ पा रहे, तो कहने लगे हैं मेरी कौम, अभी भी कौम वालों को बड़ी मोहब्बत से पुकार रहे हैं, ए मेरी कौम, एमलू अमल करो, अला मकानतिकुम अपनी जगह पर, इन्नी आमिलुन मैं भी अमल करने वाला हूं, तुम अपने अमल करो, जो करना चाह रहे हो करते रहो। लहजा थोड़ा सख्त, और मैं भी अपने अमल करता हूँ, अपनी बात अल्लाह की बात को मानता हूँ, तुम अपनी जगह पे अमल करते रहो। और ये एक धमकी थी, सऊफ अन करीब तालमू ना, तुम जान लोगे, मैं ती ही अजाब युखजी, कौन है कि किस पर आता है अजाब जिसको रुसवा कर दे। तो मुझे बातें करते हो, मुझे कमतर समझते हो, मुझे मगलूब समझते हो, तो ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, जो करना चाहते हो करो, देखते हैं अल्लाह का अजाब किसे रुसवा करता है, और ये भी देखते हैं वो मन हुआ काजिब, कौन है झूठा, मैं झूठा हूं या तुम झूठे हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब अल्लाह जो है मुझे संसार करना चाहते थे, बरादरी की वजह से मुझे बचाया हुआ है, तो अब फैसला हो जाएगा कि किसकी कुव्वत ज्यादा है, कौन संसार होता है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, फैसला हो चुका है, अब सिर्फ ये देखना बाकी है कि फैसला किस तरह अमल में आएगा। वर्तकिबू, चलो तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ, इन्नी माकुम रकीब, मैं तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूँ अल्लाह के उस हुक्म का जो तुम पे आएगा। वलम्मा जा अमरुना, फिर क्या हुआ, आ गया उनके पास फैसला, नजीना शुआइबुन वल्लजीन आमनू, और हमने नजात दी उन लोगों को जो शुएब अलैहिस्सलाम के साथ थे, और शुएब अलैहिस्सलाम को नजात दी। अल्लाह ताला के हर कौम पे आने वाले अजाब की अजीब खसूसियत है, सिफत है कि वो अजाब मोमिनों को नुकसान नहीं पहुंचाता, मोमिन बच जाते हैं, या तो वो उस बस्ती से निकल जाते हैं, या फिर ऐसे होता है कि अल्लाह ताला वहीं पे रहते हुए उनको बचा लेते हैं, ये अल्लाह कादिर है ना इस चीज पर। वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना, उनका कोई कमाल नहीं, गलतियां उनमें भी है, लेकिन उनका अकीदा ठीक है, उनकी बेस, उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत है, ईमान उनका ठीक है,
इस वजह से अल्लाह उनको बचा लेते हैं। इसलिए ना अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल मलाइका, फिर ईमान बिल तकदीर, तकदीर पर ईमान। तो जब हमारी ईमानियात का लेवल, ईमानियात के अंदर कोई शक व शुबा नहीं होता, तो फिर मुमकिन है कि अल्लाह सुबहान तआला हमें फितनों से बचाए, हमें आजाब से बचा सके। लेकिन बात यह है कि हमारा ईमान ही कमजोर हो जाता है, तवक्कल की कमी, अल्लाह के साथ शिर्क करना, रसूलों के खिलाफ प्रोपेगेंडे करना, किताब को ना थामना, और फरिश्तों पर भी ईमान। फरिश्तों पर ईमान तो यही है ना कि समझना फरिश्ते लिख रहे हैं, तो फिर इंसान गलती भी नहीं करता। तो अपना ईमान ठीक करने की हमें जरूरत होती है, और फिर उसके बाद मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से अपने बंदों की दुनिया के अंदर भी हिफाजत करता है, उनकी इज्जत खराब होने से बचा लेता है उनको, और आखिरत के अंदर भी अल्लाह उनको बचा लेगा, उनका राज रखेगा। लेकिन जो गलतियां करने वाले लोग होते हैं, वो अखजतिल्लदीन जलमू, पकड़ लिया उनको जिन्होंने जुल्म किया था, असैहतु चंगाड़ ने, सैहा चीख ने। और दूसरी सूरतों के अंदर जैसे सूरत आराफ और अंकबूत में रजफ आया है ऐसी कौम के ऊपर, जो अजाब आया था यानी जलजिला, और सूरत शुआरा के अंदर 189 में अजाब यौम जुल्ला यानी साइबान के दिन वाला अजाब। तीन तरह के अजाब जो है उसका जिक्र किया गया है शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लिए। तो फिर खुलासा क्या निकलता है कि पहले सख्त चीख बुलंद हुई, जमीन से चीख उठी, वो खत से गुजरी तो शदील जलजला आ गया, उस जलजले ने पहाड़ों को भी हिला कर रख दिया, और उस आवाज से कुफार के दिल और जिगर फट गए, जो जहां थे वो वहीं पड़े रहे। यानी जलजले ने बाकी तमाम कसर पूरी कर दी और कुफार का नामो निशान मिटा दिया। तो हाफिज इब्न कसीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अजाब जो मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ तीन तरह के अजाबों का जिक्र है जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर आए थे, तो अल्लाह ताला ने हर जगह पे उस अजाब की बात की है जो उनकी खामी बयान की है, यानी सयाको सबा के मुताबिक, जो सयाक है उसके मुताबिक अजाब का जिक्र है। जैसे सूरह आराफ के अंदर 88 में कुफार का एक कौल जिक्र है कि उन्होंने कहा, लनुखरिजन्नक या शुएब वल्लदीन आमनू माअका मिन क़रियतिना, ए शुएब हम तुझे और तुझ पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देते हैं, निकाल देंगे। तो वहां पे रजफा का जिक्र हुआ कि यह है वो बस्ती जिससे तुम नबी को निकालना चाहते थे, चलो अब तुम यहां से खुद निकलो। जलजला आया और वही जमीन जिसको वो अपनी मलकियत समझते थे थड़थड़ाने लगी, और जमीन में ही वो ढेर हो गए। और सूरह हूद जो अभी पढ़े हैं, इसके अंदर इन्होंने पैगम्बरों यानी पैगम्बर के साथ जो गुस्ताही की, अपनी जुबानें चलाई, जुबान दराजी की, उसका जिक्र है। तो अल्लाह ने कहा तुम जुबान चलाते हो, एक चीख आई और उन सबकी जुबानें बंद हो गई। वो चीख आप पैगंबर की बात नहीं सुनना चाहते थे, चीख ने उनके कान के पर्दे जो है वो फाड़ दिए और उनका दिल फट गया। सूरह शुआरा के अंदर इनका मुतालबा था कि हम पर आसमान का टुकड़ा गिरा दें, तो वहां साइबान वाले अजाब का जिक्र आया है। तो सयाक के मुताबिक अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग अजाबों का जिक्र किया जो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे आए। कौन कौन सा? रजफा, सैहा और योम जुल्ला, अजाब योम जुल्ला। फअसबहू फी दियारिहिम जासिमीन, तो उन्होंने अपने घरों में सुबह की ऐसे थे जैसे ऊंधे मुंह पड़े हुए, कअल्लम यगनू फीहा, गोया के कभी वो बसे ही नहीं थे इसमें, उनका वजूद ही नहीं था, ढेर हो गए, सब का सब खत्म हो गया। अला दलील, खबरदार दूरी है लीमा दियाना मदियन के लिए, कमा बाइदत दूर हुए जैसा कि समूद, समूद यानी जो कौम में समूद सलाम की कौम थी, उनका जिक्र किया गया है कि जिस तरह उन पर लानत थी, उन पर उनको दूर कर दिया गया और उनको अल्लाह की नाराजगी का मुस्तहिक ठहराया गया, इसी तरह मदियन वालों तुम्हारे साथ भी ऐसे सलूक हुआ। अल्लाह की रहमत से तुम दूर होगी, अब आखिरत तक तुम पर लानत होगी और
हमारे अज़ाम में इजाफा होता रहेगा। वलकद अरसलना मूसा बि आयातिना, अलबत्ता तहकीक अरसल भेजा हमने ना हमने मूसा मूसा को बि आयातिना हमारी आयात के साथ, यानी अपनी आयात के साथ अल्लाह ताला ने अपनी आयात के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। सुल्तान मुबीन, और वाज दलील के साथ। तो यहाँ पे जो आयात और सुल्तान मुबीन है इससे क्या मुराद है? मूसा अलैहिस्सलाम के पास, यानी इसके एक जवाब तो ये है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास मोजज़े थे, कौन कौन से मोजज़े थे आपको पता है? जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास मोजज़े थे, कितने मोजज़े थे मूसा अलैहिस्सलाम के पास? जी मूसा अलैहिस्सलाम के पास दो मोजज़े थे। अच्छा करेक्शन कर लें, मूसा अलैहिस्सलाम के पास दो बड़े मोजज़े। एक कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर सुल्तान मुबीन से मुराद वही दो मोजज़े हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए, ऐसा मूसा और यदे बेजा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से नौ आयात बयिनात दी गई थी, नौ निशानियां थी जो वक्तन फक्तन जाहिर हुई। लेकिन जो मेन दो थी जो फिरौन के सामने जाहिर की उन्होंने, वो कौन कौन सी थी? यदे बेजा और असा। तो ये है सुल्तान मुबीन, ये है आयात। और कुछ तफसीर इस तरह से भी की गई कि सुल्तान मुबीन से मुराद अल्लाह ताला का वो पैगाम है जो मूसा और फिरौन हारून अलैहिस्सलाम, फिरौन के हारून और मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास लेकर गए और उन्होंने अकली और फितरी दलाइल दिए लाठी फेंकने से पहले, उनकी जो बहस थी। ठीक है, तो तीन तरह से इसका जवाब है। बी आयातिना व सुल्तान मुबीन से मुराद क्या है? कुछ ने कहा कि नौ की नौ आयात मुराद है जो निशानियां मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी जो वक्तन फोक्तन जाहिर होती गई, और कुछ ने कहा यहाँ पे मुराद सिर्फ दो मेन निशानियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? ऐसा मूसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम का ऐसा, और ये दे बेजा, हाथ बगल में डालते तो हाथ सफेद हो जाता, चमकता हुआ हाथ, बगल में हाथ डालते थे तो उनका हाथ चमकने लगता, एक तो है ना वाइट हो जाता, उनका हाथ लाइट बन जाता, लाइट जैसे लाइट की रोशनी होती है ना वैसे ऐसे चमकता था। और फिर तीसरा जवाब इसमें कि इससे मुराद मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन के पास अपने भाई के साथ मिलकर एक पैगाम लेके गए थे, वो मुराद, वो अकली और फितरी दलाए। फिर बाद में फिरौन ने उसका इनकार किया और फिर मोजज़ात उसके सामने रखे गए। किसकी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम आए? इला फिरआउन, फिरौन की तरफ। वमलाईही, और इसके सरदारों की तरफ, उसके चीफ्स की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को, और फिरौन कौन है? कुप्तियों का बादशाह, उसका नाम यानी उसको फिरौन बादशाह को वो फिरौन कहते थे, फिरौन कुप्तियों का बादशाह था, और तकब्बुर और गुरूर, और उसके पास मालो दौलत बहुत ज्यादा थी, हकूमत थी उसकी, उसने अपने गुलामों को बहुत ज्यादा गुलामी में और अपने आप को खुदा समझ बैठा था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम उसके सरदारों के पास और फिरौन के पास पैगाम लेके आए अल्लाह का, तो उसके सरदारों ने क्या किया? वत्तबाउ अमर फिरआउन, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानी, फिरौन की बात मानी, मूसा की बात से इनकार कर दिया। क्यों ना मानी मूसा अलैहिस्सलाम की बात? क्यों? वो फिरौन से डरते थे, फिरौन के पास ताकत थी, दुनिया में माल था, हुकूमत थी, उनको डर था कि अगर हमने इनकार किया तो ये हमें हल, क्योंकि बाज़ुकात इंसान पहचान लेता है हक क्या है, लेकिन किसी की जाहरियत की वजह से, जाहर परस्ती का शिकार होता है, माल दौलत और रुतबे मुकाम जॉब के छुट जाने का खतरा लाहक होता है, तो इस वजह से इंसान हक को जानकर भी हक का साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि इंसान को खतरात होते हैं कि मेरे से कमी बेशी ना की जाए। तो आज भी लोग ऐसे ही हैं कि जाहिर परस्ती का शिकार हो गए हैं, कि दो लोग आपको बात कह रहे हैं लेकिन हो सकता है कि जो दूसरा है जिसके पास इतनी दौलत और ताकत नहीं है, वो बात सही समझदारी वाली कर रहा हो,
और जो दूसरा है उसके पास अट्रैक्शन तो है, दुनियावी माल तो है, दुनियावी ताकत और हुकूमत है, लेकिन उसकी बात में कोई दम नहीं है और उसकी बात ऐसी है जो हमें कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाती, तो इंसान क्या करता है, उस बंदे की आवभगत करता है जो जाहरी तौर पर पावरफुल होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी सब कुछ था, इल्म था, हिकमत थी, उनके वो खूबसूरत थे, ताकत थी, उनकी भी फैमिली थी, लेकिन फिरौन के पास चूंकि दौलत थी, हकूमत थी और जाहरी ताकत थी और उसके पास कुर्सी थी, इस वजह से सरदारों ने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और फिरौन की इत्तबा करने लगे। अल्लाह कहते हैं कि वमा अमरु फिरौन बिरशीद, फिरौन की बात भलाई की नहीं थी, फिरौन का हुक्म हरगिज दुरुस्त नहीं था, फिर इन्होंने क्यों बात उसकी मानी, वही जाहिर प्रस्ती की वजह से। तो फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम दो लोगों का यहाँ पे तذکرہ है, तो उनके पास दो रास्ते थे, चाहते तो वे मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान लेते, चाहते तो ना मानते, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिरौन की तरफ बढ़ गए और फिरौन की बातें कामयाबी वाली नहीं भी थी फिर भी उनको मानने लगी। ऐसे ही आज होता है कि अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो उसी जगह पे कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, जैसे टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वक्त गुजारा जाता है, सिर्फ अट्रैक्शन होती है ना, खूबसूरती दिखाकर और बाद वक्त अपना माल दिखाकर और अपने अपनी एक्टिंग दिखाकर लोगों को उनके वक्तों को जाया किया जाता है, और इस तरह दूसरी जगह पे वही उसी तरह उसी कैमरे से वीडियो बनती है, उसी मुआशरे के अंदर रहने वाले लोग अच्छा पैगाम दे रहे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जहाँ अट्रैक्शन होती है, जहाँ पे फन होता है, जहाँ पे हंसी मजाक कॉमेडी होती है, उसको घंटों सुन लेते हैं, लेकिन अल्लाह के पैगाम या अल्लाह ताला की बात जो किसी भी लेक्चर में या सेशन में हो तो सुनते वक्त हमें बहुत मुशक्कत महसूस होती है, हालांकि जो दूसरे काम हम कर रहे होते हैं, अपना वक्त जाया करते हैं, वो कोई भलाई का काम नहीं होता, वो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाने वाला नहीं होता। तो फिरौन का भी पैगाम ऐसा नहीं था कि जो इंसान को कामयाब कर सकता हो, बल्कि मजीद हलाकत की तरफ जा रहा था। दुनिया के अंदर ताकत और माल से उन सरदारों को फायदा हो सकता था, लेकिन आखिरत में अल्लाह के सामने तो ये सब चीजें जीरो हो जाती हैं। अल्लाह ताला डिग्री नहीं देखते, अल्लाह सुब्हान ताला पैसा नहीं देखते, ताकत और ये कितने लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ये देखते हैं कि आप कितने अमाल लेके आए हैं। तो जब इंसान दुनियावी चीज को दुनियावी इंतहाब करता है, क्यामत में फिर वो खाली हाथ रह जाएगा, और फिर क्यामत में क्या होगा कि ऐसे लोग उनके साथ उठाए जाएंगे जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, जिनको वो फॉलो करते हैं, फैन फॉलोइंग जितनी फिर आपकी होगी वो सारे आपके साथ जहन्नम में जाएंगे। अगली आयत के अंदर यही है ना, यकदुमु कौमहु यौमल कियामा, वो आगे होगा अपनी कौम के क्यामत के दिन, फिरौन जो लीडर होगा क्यामत के दिन, ऐसा होगा हर लीडर ने एक झंडा उठाया होगा और उसके फॉलोअर्स उससे मोहब्बत करने वाले लोग उसके पीछे पीछे होंगे, वो चलता जाएगा, वो जाके जहन्नम में गिरेगा, उसके सारे फॉलोअर्स उसके पीछे जहन्नम में गिर जाएंगे अगर वो अच्छा लीडर ना हुआ, अगर वो अच्छा कंटेंट उसके पास ना हुआ। अब देखें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, चेक ही करना होता है हम किसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं हम किस किस तरह की चीजों को पसंद करते हैं, हम जैसे चीजों को पसंद करते हैं ना, फिर ये होगा कि अगर वो चीजें अच्छी हैं तो फिर हम अच्छे लोगों के अंदर शामिल हो जाएंगे, और अगर हमारी चॉइस और हमारा इंतहा दुनिया है ऐसी चीजों की तरफ है, जो सॉन्ग्स हैं और शीर के अशआर हैं या फिर दुनिया ही दुनिया है उसमें, तो फिर उसी लीडर का साथ हमें मिलेगा क्यामत के दिन। और अपनी दूसरी जिंदगी में, एक तो ये है हमारा मोबाइल के अंदर एक लाइफ होती है और एक अपनी जाहरी जिंदगी भी, एक प्रॉपर प्रैक्टिकल लाइफ होती है, उसके अंदर भी हम जिसको फॉलो करते हैं क्यामत के दिन शुमार जो है कैसे लोगों में, हम किन लोगों को पसंद करते हैं, और फिर क्या करेगा, फ़ा और फिर वो ले आएगा उन्हें अन्नार आग पर,
आगे आगे चलता जाएगा जाके आग में छलांग लगा देगा, और पीछे उसके कौम वाले भी आग में छलांग लगा देंगे। फाउरादा जो है वीर धुन से है, वाउरादा इसका मतलब होता है पानी का घाट, वो पानी जिससे पीने के लिए लोग और जानवर आते हैं, यानी घाट उतरने की जगह, पानी का वो हिस्सा जिसको हम कसदन तलाश करते हैं और उस तक पहुंच जाते हैं, उसे कहते हैं विर्ध। तो क्या होगा कि जिस तरह दुनिया में वो अपने लोगों का पेशवा था, इस तरह आखिरत में भी वो उनका पेशवा होगा। पीने के लिए इन्हें लेकर पानी के घाट पर जाने की बजाय खुद आगे होकर सबसे पहले आग में जाएगा और जाकर उनको भी ले जाएगा। तो जो भी कौम कुफर मासियत में रहनुमाई करती है और कुफर का साथ देती है, उनका भी यही अंजाम होगा। यानी बुरे जो लीडर होंगे वो अपने फॉलोअर्स को बचा नहीं सकेंगे कयामत के दिन। ये चीज हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। वो भी सलविरदुल मरदूद, तो कितनी बुरी है गांठ जो वारिद होने की जगह है। कयामत के दिन उनके साथ जो सलूक होगा वो कितना बुरा है। पीने की जगह जहां वो जाएंगे, वह उत्पीउ फी हाजी लानतन, और पीछे लगाएगी इस दुनिया में लानत, अयोम अल कियामती, और कियामत के दिन भी। ये नहीं कि दुनिया के अंदर उनको छोड़ दिया गया, उनके पीछे लानत लगा दी गई। एक तो वो उनका इंजाम भी अच्छा ना हुआ, दूसरे आने दुनिया में तमाम आने वाले उन पे लानत और फटकार भी भेजते रहेंगे उनका, जब उनको हाल मालूम होगा, और कयामत के दिन भी उन पर लानत होगी। तो बात यह है कि दुनिया के अंदर उनका इंजाम अच्छा ना हुआ, कितना प्रोटोकॉल उनको था, पावरफुल थे, बड़ी ताकत थी फिरौन के पास, बड़ा मान था। लेकिन जब हमारा माल, हम इंसान माल और दौलत को क्यों इकट्ठा करता है? ताकि वो मुस्तकबिल में आने वाले मसाइल से अपने लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सके। इंसान माल इसलिए जमा करता है ताकि मुश्किल में वो काम आए, लेकिन फिरौन का माल क्या मुश्किल में उसके काम आया था? सोचिए, क्या फिरौन का माल, फिरौन की दौलत उसको डिफेंड कर सकी? कितना वो क्या करता था कि बनी इसराइल के बेटों को जिबा कर देता था, इतनी ताकत थी उसके पास, कोई उसे कुछ नहीं कह पाता था, गुलाम बनाया हुआ था लोगों को उसने। लेकिन क्या हुआ, पानी की एक लहर से बच नहीं सका, पानी की लहर के सामने रुसवा हो गया, जलील हो गया दुनिया के अंदर ही। वही कौम जो खुश्की पर इतरा रही थी, गुरूर कर रही थी, कोई एक ना बचा, सबको लेके वो गर्क हो गया। तो किसी भी इंसान की कामयाबी का पता पता कैसे चलता है? उसके इंजाम से। जब इंजाम अच्छा होता है तो लोग कहते हैं ये बंदा बड़ा कामयाब है, लेकिन जब आप सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और लोग बड़े खुश हैं, जी बड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन एंड पे पहुंच ही नहीं पाते, आप मंजिल पे पहुंचने से पहले ही लड़क जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो फिर वो कामयाबी तो ना हुई। तो कामयाबी का पता चलता है इंसान के इंजाम से, इंजाम फैसला करता है कि ये बंदा कामयाब है या नाकाम है। तो इसलिए अपने बेहतरीन इंजाम के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। कोई पता नहीं है कि इंसान अभी कुरान से जुड़ा है, कल को कुरान छूट जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता नमाज छूट जाए, रोजे छूट जाए, अखलाक छूट जाए, हिजाब छूट जाए, और इंसान दोबारा से दुनियावी लग्जिशों में पड़ना शुरू हो जाए। इसलिए अपने हुस्न इंजाम के लिए, बेहतरीन इंजाम के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। आज अगर हम ईमान पर हैं तो हमारी इसमें कोई भी हमारा कमाल नहीं, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है। दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह से, अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूर कुल्लिया व अजिरना मिन खिजी दुनिया व अजाब अल आखिरा। क्या अल्लाह हमारा इंजाम सब कामों में अच्छा करना, व अजिरना मिन खिजी दुनिया, और हमें दुनिया की रुसवाई से बचाना, व अज़ाबिल आखिरा
और आखरत की भी रुसवाई से। तो क्या पता चलता है, इंजाम असल में अल्लाह के नजदीक आखरत है, और दुनिया के अंदर भी हमें जो हमारा इंजाम होता है, हमारा एंड होता है, हमारी जो हमारी हम जो मरते हैं तो उसका अंजाम भी अच्छा हो, ये ना हो कि हमको फर पे मार जाए। दुआ करते रहना चाहिए। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते पढ़ते थे ना, कुरान में भी आता है, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बाद इज़ हदैतना, कि अल्लाह जब तूने हमें हदायत दे दी है तो हदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और अपनी तरफ से रहमत अता कर, बेशक इन्नका अंतल वहाब, तू बहुत ज्यादा अता करने वाला है। तो अपने बेहतरीन इंजाम के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए, ताकि हमारा शुमार ऐसे लोगों में ना हो। अल्लाह हमें अपने पास लेके जाए, और हम उस वो हमसे राजी और हम उसे राजी हों। बेसरिफ्दुल मरफूद, कितना बुरा है इनाम जिनको दिया गया, जिनको गिफ्ट दिया गया, कितना बुरा है, कितना बुरा उनका अंजाम हुआ। इबरतनाक फिरौन का अंजाम बहुत इबरतनाक है। इसके अंजाम से हमें अपने अंजाम की फिक्र करते रहनी चाहिए। और ऐसी मेहमान नवाजी उनकी अल्लाह के सामने की जाएगी, कैसी की जाएगी मेहमान नवाजी, कि उनको जो इनाम दिया जाएगा वह पानी की बजाय आग होगा। ज़ालिक मिन अम्बाइल कुरा, ये कुछ खबरें हैं बस्तियों की, नकुस्सुहु हम बयान करते हैं यानी अलैका आप पर, नवा कहते हैं हकीकी खबरों को, यानी जो न्यूज़ आपको दी जा रही है ये सच्ची है, कुछ बस्तियों की खबरें हैं हम आप पे बयान करते हैं, इनमें से कुछ बस्तियां ऐसी हैं कायम कायम है, यानी उनके आसारे कदीमा कुछ मौजूद है ना कुछ इलाकों के अंदर। गुज़िश्ता बस्तियों की कुछ खबरें हमें अब भी जब हम विजिट करते हैं तो मिलती हैं, जैसे यानी नूह अलैहिस्सलाम और हूद और साले इब्राहिम और लूत और शुएब और मूसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की बात की ना, तो इनमें से इन बस्तियों में से कुछ बस्तियां ऐसी हैं जो खड़ी हैं, हसीद वो खेती जो काट काटी जा चुकी हो और बिखर जाए और रेजा रेजा हो जाए उसको कहते हैं हसीद। तो कुछ बस्तियां ऐसे हैं हसीद हैं, बिखरी हुई है, पता चलता है कि इनका ना यहाँ से लोगों का नामो निशान मिटा दिया गया। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के पहाड़ों में तराशे हुए जो मकानात, उनमें से बाज के निशानात हैं और बाज तो बिल्कुल ही मिट चुके हैं, जैसे कटी हुई खेती का नामो निशान मिट जाता है ना वैसे। वमा ज़लमनाहुम, नहीं जुल्म किया हमने उन पर। अब जाहिर तो ये लगता है कि लोगों ने इतनी मेहनत से बिल्डिंग्स बनाई, इतना कुछ, इतनी मेहनत, इतनी तरक्की की, और एक दिन में सब कुछ मलिया मेट हो गया, तो इंसान को लगता है शायद जुल्म है, लेकिन ये जुल्म नहीं है, हमने जुल्म नहीं किया। वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम, इन्होंने अपनी जानों पे खुद जुल्म किया। फमा अगनत तो ना काम आए अनहुम, उन्हें आलिहतुहुम उनके इलाह, उनके पैरों वो जो इनके पेशवा उनके लीडर्स उनको ना बचा सके। अल्लती वो लीडर्स यदउन मिन दूनिल्लाह, जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते थे, मिन शयइन कुछ भी किसी किस्म की वो उनकी मदद नहीं कर सके। लम्मा जा अमरु रब्बिका, जब हुक्म आ गया आपके रब का। वमा ज़ादूहुम गैर तत्बीब, और उनके लीडर्स ने अपने फॉलोअर्स को हलाकत के सिवा कुछ नहीं दिया बल्कि हलाकत में इजाफा किया। तदबीब ता बाबा इसका रूट वर्ड है, तब भी से तब्बत यदा अबीला अभी मुतब, हलाक होना, बाब तफ़ईल से है तदबीब, हलाक करना। तो उनके लीडर्स जो थे, एक तो दुनिया के अंदर उन्होंने उनको गुमराह किया और इंसान गुमराह हो गया, वो उनको पुकारे भी तो वो उनकी पुकार नहीं सुनते बल्कि उनको मानने की वजह से उनके ही अजाम में इजाफा होता है, उनकी वजह से उनकी तबाही और बर्बादी में इजाफा होता है। वमा ज़ादूहुम गैर तत्बीब, तो हमारे लिए इसमें
क्या है सीखने को, हमारे लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं, सबक क्या है कि आंखें बंद करके हम जिंदगी ना गुजारें। हमें अल्लाह ताला ने शऊर अता किया है, समझ बूझ अता की है, हमें वक्तन फवक्तन ये बात अपने आप को याद करवाते रहना चाहिए कि आया हम सीधे रास्ते पे हैं कि नहीं, सिराते मुस्तकीम पे हैं कि नहीं। अगर कहीं भी पता लग गया कि हम तो दूसरों को फॉलो करते हुए बहुत गलत राह पे निकल आए, हमारी तो राहें बातिल हैं, तो फिर उस वक्त उन राहों को छोड़ने के लिए कदम बढ़ा लेना चाहिए। हाँ, हमें दुनिया के अंदर कितना ही नुकसान क्यों ना हो, लेकिन अपने दुनिया में नुकसान को अफोर्ड कर ले आखिरत की काम उखरवी कामयाबी के लिए, क्योंकि जो उधर नुकसान होगा वो नुकसान बहुत बुरा है। इंसान वापिस आ सकेगा, ना कोई इबादत कर सकेगा, ना माफी होगी, ना इंसान मर सकेगा हमेशा की जिंदगी। तो जिंदगी में जाने से पहले पहले जो हमें ये फानी जिंदगी अता की गई है, इसमें सोचते रहना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं और जिन जिन को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम हमारे जो लीडर हैं वो कैसे हैं, हम कैसी सोहबत में रहते हैं, किन को मान रहे हैं, किन की बात सुन रहे हैं, किन से मोहब्बत कर रहे हैं, अपनी मोहब्बतें, अपनी अकीदतें, अपना अपने जो नफरतें हैं, हसद बुगल, ये सारे चेक करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ईमान वालों से तो नफरत कर रहे हो और जो दुनिया वाले हैं उनसे मोहब्बत कर रहे हो, तो फिर इंजाम तो अच्छा नहीं होगा। अच्छे इंजाम की दुआ के साथ साथ कोशिश भी करनी है। ऐसा नहीं होता कि हम सारी जिंदगी बुरे काम करते रहें और आखिर में हम दुआ पढ़ते रहें साथ साथ, तो हमारा अंजाम अच्छा होगा। दुआ सपोर्ट करती है अल्लाह की रहमत को, यानी अल्लाह की रहमत आती है। कोशिश इंसान ने खुद करनी है, कोशिश के बाद अल्लाह की रहमत मांगे, और रहमत किसे मांगते हैं, दुआ के जरिए। इंशाल्लाह अल्लाह हमारा अंजाम बेहतरीन करे, हमें दुनिया की रसवाई से बचाए, अल्लाह हमें आखरत की रसवाई से भी बचाए, और हमारे दिलों को टेढ़ा ना करे हदायत के बाद। अल्लाह हम सब पे राजी हो जाए, हमें रियाकारी से बचाए, तकब्बुर से बचाए, और हमें नेक लोगों से मोहब्बत करने की तौफीक अता करे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ترغب.